Hello everyone, welcome to Abhimanyu IAS and the students who are preparing for UPSC exam. सभी को पता है कि एग्ज़ाम पास है. अब जब एग्ज़ाम पास है, इन दैट केस सभी ने मेंस के लिए भी इवन प्रिपरेशन कर ली है, ठीक है. अपना ऑप्शनल भी सभी ने प्रिपेयर कर लिया है. आंसर राइटिंग की भी प्रैक्टिस आई होप सभी की हो गई होगी, क्योंकि सभी स्टार्टिंग में इन्हीं चीज़ों पे फोकस करते हैं कि हाँ जी हम अपने जीएस के सब्जेक्ट्स प्रिपेयर कर लें. बट साथ साथ में ध्यान रखिए कि जो सेकंड पेपर है आपके प्रीलिम्स का, दैट इज़ सीसेट. और सीसेट का एग्ज़ाम आजकल पहले से कुछ डिफरेंट आ रहा है, सभी को पता है. डिफरेंट इन द सेंस कि जो क्वेश्चंस हैं दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप. डायरेक्ट क्वेश्चंस एग्ज़ाम में नहीं आ रहे हैं. मीन्स कि अगर हम चाह रहे हैं कि सीसेट का पेपर हम इजीली क्वालिफाई कर लें, तो उसके लिए जो सीसेट के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना ज़रूरी हैं. ओके, बिकॉज जो लेवल ऑफ क्वेश्चन है वो हर बार इंक्रीज होता जा रहा है. क्वेश्चंस के अंदर बिल्कुल ही डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना. जब पेपर में हम देखते हैं तो वहाँ पे हमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस मिलते हैं. तो अब बात आती है कि उनको प्रिपेयर कैसे करें. अब एक तो तरीका ये है कि पूरे का पूरा हम सिलेबस अपना उठाते हैं और उसके बाद में उस कंप्लीट सिलेबस को वन बाय वन करके हम प्रिपेयर कर रहे हैं. अब उस केस के अंदर कई बार क्या होता है कि जो टॉपिक इम्पोर्टेंट है उस पर हम उतना टाइम नहीं डिवोट कर पाते जितना कि हमें करना चाहिए, और हम उस टॉपिक पे हमारा टाइम वेस्ट कर देते हैं जिसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं आना. कई बार क्या होता है कि कुछ अगर हम प्रीवियस ईयर का एनालिसिस लेके चले तो उसके अकॉर्डिंग हमें पता चल जाता है कि कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, किन पे हमें ज़्यादा फोकस करना है. ऑब्वियसली हमें पता है कि जब क्वालिफाइंग है तो उस केस के अंदर भी हमें 50% का टारगेट तो लेके चलना ही है, ठीक है ना. अब जब हम बात करें कि हाँ 50% का टारगेट लेके चलते हैं, तो एटलीस्ट इस तरह से हम प्रिपेयर करें कि हाँ 80% सिलेबस हम प्रिपेयर कर ले. कौन सा? जिसमें से हर बार क्वेश्चंस मिलते हैं. नाउ द थिंग इज कि जब वो टॉपिक्स कौन से हैं जिनमें से हर बार क्वेश्चंस आ रहे हैं, और मैं उनको कैसे प्रिपेयर कर सकता हूँ, है ना. सभी के माइंड में यही आता है कि अभी उनको कैसे प्रिपेयर करें हम. अब उसके लिए अभिमन्यु IAS आप लोगों को माइक्रो वर्सेस प्रोवाइड कर रहा है. अब उन माइक्रो वर्सेस के अंदर भी देखो, हमने ये भी देखना है कि कौन सा माइक्रो वर्स इम्पोर्टेंट है, कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है. सभी ने एंड तक मेरे साथ बने ही रहना. काफ़ी इम्पोर्टेंट मैं आज आपको एक पॉइंट बताने वाली कि कैसे हमने प्रिपेयर करना है. ओके, अब अगर आपने कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने ऑलरेडी किसी का सेकेंड अटैम्प्ट भी होगा, किसी का थर्ड अटैम्प्ट भी होगा, मीन्स कि सिलेबस एक बार कर रखा है, बट कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हमारे नहीं हैं क्लियर. जैसे फॉर एग्जांपल नंबर सिस्टम की अगर हम बात करें, तो नंबर सिस्टम के अंदर से नियर अबाउट 32-35 मार्क्स का पेपर आ जाता है ना. 32-35 मार्क्स का पेपर हर बार आ जाता है. अगर हम प्रीवियस 4 ईयर्स के अंदर देखें तो इतना पेपर आ रहा है इसमें से, ठीक है. अगर चलो UPSC में कुछ चेंज भी आता है तो भी 20-25 तो पक्के हैं. अब बात आ रही है कि अगर इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है तो हमें उसको अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए, उसके एक एक कंसेप्ट हमें क्लियर होना चाहिए. कैसा मर्जी क्वेश्चन आ जाए कर लेंगे, है ना. तो अब बात आ रही है कि जो ये पर्टिकुलर टॉपिक्स है वो कहाँ से मुझे मिलेंगे, और क्या मुझे अलग अलग प्लेटफॉर्म से देखने की ज़रूरत है. अगर मैं पहले थोड़ा सिलेबस कर भी चुका हूँ तो क्या मैं दोबारा से पूरे का पूरा किसी से कंप्लीट कोर्स लूँ? नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है आपको कंप्लीट कोर्स की. जस्ट अगर आपको लगता है कि यार थोड़ा सा मेरा मैथ्स क्लियर है, थोड़ी सी मेरी लॉजिकल रीजनिंग ठीक है, खुद को पता होता है हमें कि थोड़ा सा मेरा मैथ ठीक है, मेरी थोड़ी सी लॉजिकल रीजनिंग ठीक है, तो अगर मैं थोड़ा सा भी ध्यान दे लूँ तो मेरी सीसेट का पेपर इजिली क्वालिफाई हो जाएगा. बट हाँ, अगर ये हो माइंड में कि हाँ मेरा मैथ्स अच्छा है और मेरा लॉजिकल रीजनिंग है, मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो उस केस में तो बेटा नहीं हो पाएगा, डन. तो अब उसके लिए हमने करना क्या, देखो एक बार सभी ने ध्यान से देखना है. यहाँ पे हमारी जो साइट है, दैट इज़ abhipedia.abhimanyu.com, आपने इस साइट पे जाना है. यहाँ पे आप देखोगे क्या आ रहा है आपके पास में, चूज एग्जाम में जाओगे, वहाँ से सीसेट का सब जोन आपका यहाँ पे ओपन हो गया. अब उसके बाद में यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस दिख रहे हैं, सब्सक्रिप्शन, टेस्ट, वीडियो एंड माइक्रोवर्स. टेस्ट जब आपको लगे कि यस नाउ आई एम प्रिपेयर, उसके बाद में टेस्ट्स लगाने हैं सभी ने. अभी पहले देखो कि हाँ मैं प्रिपेयर हूँ, क्या मेरा कंप्लीट है, तो उसके लिए बेटा देखो हमने जाना है माइक्रोवर्स पे. ओके, जब आप यहाँ पे माइक्रोवर्स पे जा रहे हो तो वहाँ पे भी आप देख सकते हो कि अपने पास में जो माइक्रोवर्सेज है क्या आएगा, मैथ्स, लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश.
अब हमने देखना है कि मैथ्स मान लो हम कर रहे हैं, तो मैथ्स के अंदर से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, ठीक है, और उन टॉपिक्स के लिए मुझे कैसे प्रिपेयर करना है। तो जब हम यहाँ पे मैथ्स पे जा रहे हैं तो आप देखो, यस दिस इज ओपनिंग, दिस इज ओपनिंग, ये देखो ओपन हो गया। अब यहाँ पे देखिए क्या आया हमारे पास, पहले नंबर सिस्टम। अब जब नंबर सिस्टम यहाँ पे आप देख रहे हो तो यहाँ पे देखो क्या आ रहा है बेटा, यस 21.88%। दैट मीन्स कि अगर हम प्रीलिम्स का जो यहाँ पे हमारी जो परसेंटेज मेंशन हुई है, दिस इज आफ्टर द कैलकुलेशन ऑफ प्रीवियस 10 ईयर्स पेपर, ओके, उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे ये परसेंटेज है, ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट हुई है, जनरेट हुई है। तो उसमें क्या कह रहा है कि 21% पेपर, 21% पेपर क्वांट का किस में से आ रहा है, नंबर सिस्टम में से आ रहा है, ओके, दैट मीन्स दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे जब हम इसको देखते हैं व्यू नाउ, जब आप व्यू नाउ पे क्लिक कर रहे हो तो यहाँ पे देखो क्या आ रहा है आपके पास में, यस दिस इज पेड, दिस इज 348 रुपीज। अब देखा जाए तो जो यूपीएससी का स्टूडेंट है उसके लिए 348 कुछ नहीं है। अब बात आ रही है कि हाँ मैम 348 के लिए नहीं, यहाँ पे जो मेन पॉइंट है वो ये है कि यहाँ पे आपको 10 लेक्चर्स मिल रहे हैं, ठीक है, 9 वेब नोट्स मिल रहे हैं, 515 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिल रहे हैं। नाउ द थिंग इज व्हाट, कि क्या मैंने कंसेप्ट्स क्लियर करने या मैंने प्रैक्टिस करनी है। अब कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में ये भी आता है कि चलो कोई बात नहीं, सारा एक जगह से ही देख लेते हैं, यहाँ पे प्रैक्टिस वेब नोट्स और सारा सिंपल 348 में हमें मिल जाएगा और सभी कुछ एक ही प्लेटफॉर्म के अंडर मिल रहा है, ठीक है। इवन अगर आपका वीडियो के अंदर डाउट आता है, किसी कंसेप्ट में डाउट आता है, उसके लिए भी हमने प्रोविजन रखा है, ऐसा नहीं है कि जस्ट ये मिल गया खत्म। अब यहाँ पे देखिए आप इसका प्रीव्यू ले सकते हो, स्टार्ट योर 3 मिनट्स प्रीव्यू, ओके। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको मिल रहा है वेब नोट्स, ये सारा कुछ मिल रहा है, ठीक है। अब मान लो मैं कह रही हूँ कि नहीं मुझे तो यहाँ से ना जो क्वेश्चंस है क्वेश्चंस के लिए प्रैक्टिस करनी, तो यहाँ पे आपको कितने टेस्ट्स मिल रहे हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपको जितने भी 515 क्वेश्चंस हैं ये टेस्ट की फॉर्म में मिल रहे हैं। मीन्स कि एक तरह से आपकी जो लिमिटेड टाइम है उसके अंदर क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना वो भी आपका हो जाएगा, एंड यू कैन आल्सो कस्टमाइज दिस टेस्ट। जब हम यहाँ पे जा रहे हैं तो उस केस में इसको आप कस्टमाइज कर सकते हो, जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे 50 मार्क्स का टेस्ट था, डैट मीन्स कि 50 को अब मैं चाहती हूँ कि मेरे पास में 25 का मिले, ठीक है, हमने इसको 25 कर दिया और हमारे टेस्ट के अंदर अब कितने क्वेश्चंस मिलेंगे हमें, 25 क्वेश्चंस मिलेंगे, ओके, आप सॉल्व करोगे, उसके बाद में आप उसको रिव्यू करोगे, रिव्यू करोगे तो उस केस के अंदर आपका पूरा कंप्लीट जो टेस्ट है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा विद सॉल्यूशन, ओके। तो अब यहाँ से जैसे हमने स्टार्ट किया टेस्ट को, हमने यहाँ से अटेम्प्ट किया, यहाँ पे आप देख सकते हो 25 का हमने टेस्ट किया था तो 25 का मिल रहा है, तो इस तरह से, ओके, यस। आफ्टर सबमिशन ऑफ द टेस्ट यू कैन रिव्यू द टेस्ट एंड यू कैन चेक द डिटेल्स, ओके, हर एक क्वेश्चन आपको फुल कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ में यहाँ पे मिलेगा, ओके। इसके अलावा वीडियो लेक्चर्स जैसे देखने, तो अगर आप इसको लेते हो, मान लीजिए मैं कह रही हूँ कि नंबर सिस्टम हमने ले लिए, तो अब जो आपका हर एक स्टूडेंट का ना एक डैशबोर्ड बन जाता है हमारे पास में, हर एक स्टूडेंट को एक डैशबोर्ड मिल रहा है, ठीक है। तो जो भी आपके पास में आप कोर्सेज ले रहे हो, माइक्रो कोर्स ले रहे हो, तो यहाँ पे स्टूडेंट डैशबोर्ड पे आप जाओगे तो वो सभी वहाँ पे आपको विजिबल हो जाएंगे, सभी वहाँ पे विजिबल हो जाएंगे। यहाँ पे जैसे अब हम देख रहे हैं जो जो भी कोर्सेज आपने ले रखे हैं तो वो सारा यहाँ पे आपको विजिबल हो सकता है, देखिए, ठीक है। यहाँ पे ये माइक्रो कोर्स है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम देख रहे हैं कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन के माइक्रो कोर्सेज हमने ले रखे हैं, तो आप इसको चेक कर सकते हो, ठीक है। अगर आप नंबर सिस्टम का लेते हो तो नंबर सिस्टम का आपको मिल जाएगा, जो भी आपने माइक्रो कोर्स लिया हुआ है उसका आपको मिल जाएगा, ठीक है, तो वो आप वहाँ पे। अब यहाँ पे जैसे है हमें सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिख रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमने सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लिए हुए हैं। अगर आप कहते हैं कि नहीं मैंने वीडियो लेक्चर्स हैं तो आपको वीडियो लेक्चर्स दिखाई दे जाएंगे, ओके, यस। सेम वे सभी टॉपिक्स यहाँ पे अवेलेबल है, देखिए सभी टॉपिक्स यहाँ पे आपको मिल रहे हैं, सभी की परसेंटेज अवेलेबल है, हर एक जगह से आप चेक कर सकते हो, कोई भी टॉपिक हो उसको आप ले सकते हो, ठीक है। और हर एक टॉपिक के अंदर एक और पॉइंट है कि यहाँ पे जो आपको वीडियो लेक्चर्स मिल रहे हैं, एक तो ये जो वीडियो लेक्चर से कंसेप्ट क्लियरिंग के हैं, साथ में आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी मिल रहे हैं, ओके,
प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी आपको मिल रहे हैं। डन। तो जो भी स्टूडेंट्स इसको अवेल करना चाहते हैं, सिंपल ओपन अवर वेबसाइट दैट इज abhipedia.abhimanyu.com और गूगल से भी आप सर्च करते कर सकते। जस्ट आपको क्या लिखना है, यूपीएससी सीसेट माइक्रो कोर्स अभिपीडिया। अभिपीडिया इज अवर ऑनलाइन पोर्टल। यू विल जस्ट राइट, हाँ ये भी आपको मैं एक बार ओपन करके बताती हूँ। यस, जब आप इसको गूगल पे सर्च करते हो तो गूगल पे भी आपको मिल जाएगा। जस्ट आपने यहाँ पे क्या मेंशन करना है, दिस इज अभिपीडिया, अभिपीडिया सीसेट माइक्रो कोर्सेस। डन। अब देखिए, हाँ दिस इज माइक्रो कोर्स, ओके। अब यहाँ पे आप देखो सबसे पहले आ रहा है, जस्ट आपने यहाँ पे जाना है और आपको सेम जो अभी हमने ओपन किया है वो आपको यहाँ पे मिल रहा है। क्लियर। कैसे चेक करें, सेम भी अगर मुझे लॉजिकल रीजनिंग में चेक करना है कि कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, जस्ट मैं उन्हीं टॉपिक्स को प्रिपेयर कर लूँ, इन दैट केस अगेन आपको ये सेम उसी तरीके से मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ये आगे अपने पास में ओपन हो गया, जैसे ये है लॉजिकल अल्फाबेट 0.62%, ठीक है, कोडिंग एंड डिकोडिंग 4.97%, डायरेक्शन सेंस 6.2%, मीन्स कि इनसे हर बार आपको क्वेश्चंस मिल रहे हैं एग्जाम में, ये देखिए, ठीक है। यस, सभी टॉपिक्स यहाँ पे आपको मिल रहे हैं। तो जो भी टॉपिक आपने प्रिपेयर करना है वन बाय वन करके आप प्रिपेयर कर सकते हो। तो एक तो ये पॉइंट हो गया कि कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आप उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर लोगे। दूसरा, मैंने वीडियो भी अपलोड की है आपके क्वांट और लॉजिकल के कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, आप उनके अकॉर्डिंग अपने टॉपिक्स लो और प्रिपेयर करो, आप इजीली क्वालिफाई कर लोगे सी सेट का एग्जाम, ओके। सो स्टूडेंट्स, इट वॉज ऑल अबाउट द माइक्रो वर्सेज ऑफ सी सेट। सो जो भी स्टूडेंट्स अवेल करना चाहता है, डिस्क्रिप्शन में माइक्रोवर्स का भी मैंने लिंक प्रोवाइड किया, साथ में वेबसाइट का भी लिंक अवेलेबल है। अगर वहाँ से भी आपको प्रॉब्लम आते हैं, इन दैट केस यू कैन डायरेक्टली ब्राउज ऑन गूगल, ओके। सो थैंक यू सो मच, बने रहिए अभिपीडिया के साथ, बेस्ट ऑफ लक। अगर कोई डाउट आता है इन दैट केस डायरेक्टली यू कैन कॉल, ओके, कॉल कर सकते हो आप। दूसरा क्या है कि आप यहाँ पे जब टॉपिक्स पे जाते हो तो वहाँ पे एक ऑप्शन आ रही है बेटा, वहाँ पे आप अपना नंबर मेंशन करोगे, एंड इफ़ यू वांट कि हाँ somebody कॉल फ्रॉम हेयर, इन दैट केस कॉल मी व्हाट्सअप, तो व्हाट्सअप, ओके। एंड दिस इज़ ए व्हाट्सअप ग्रुप, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आती हैं वो सभी आपको व्हाट्सअप के थ्रू मिल जाएंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बेस्ट ऑफ लक।